अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमान और आप देख रहे हैं हमारे एजुकेशनल एकेडमी। आज हमारा जो नया प्रोजेक्ट है वो है ऑटो कैड का। मैं आज ऑटो कैड के कंप्लीट कोर्स का पहला लेसन शुरू करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा ऑटो कैड के इंट्रोडक्शन और यूजर इंटरफेस के बारे में। जब हम ऑटो कैड इंस्टॉल कर लेंगे, एक्टिव हो जाएगा और ऑन करेंगे तो ये हमें ये व्यू पॉइंट नज़र आएगा हमारा। ये सबसे पहले इसमें गेट स्टार्टेड, अगर हम स्टार्ट रैंक पर क्लिक करेंगे तो हम अपने जो लेआउट है वो हमारा उस पर चले जाएंगे, ड्राइंग का लेआउट का। और ये आगे ज़्यादा टेम्पलेट्स ऑटो सेट होता है ACAD.DWT और इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ से हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स, आर्किटेक्ट के भी हैं, सिविल के भी हैं और साथ ही मैनुफेक्चरिंग के भी हैं। यहाँ पे ओपन फाइल आ जाता है, ओपन आ शीट सेट, गेट मोर टेम्पलेट ऑनलाइन। और यहाँ पे आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं ड्राइंग को। और ये जो आ जाता है रिसेंट डॉक्यूमेंट में जो आप अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे आ जाती है, जो लेटेस्ट आप बना रहे होते हैं। और ये साइन इन में, अगर आपने लाइसेंस खरीदा हुआ है इसका तो आप इसे ऑनलाइन कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप इसे तो चलिए हम चलते हैं अपने लेआउट की तरफ। स्टार्ट ड्राइंग, ये हमारा कंप्लीट हुआ लेआउट है यहाँ ये वाला। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये यहाँ पे न्यू ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी फाइल यहाँ पे सेव, और ये सेव एज इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पब्लिक प्रिंट ड्राइंग यूटिलिटीज, और ये साथ ही आ जाता है हमारा एक्सेस टूल बार ये वाला। ये हमारा है क्यूब व्यू, यहाँ से हम किसी भी डायरेक्शन में व्यू चेंज कर सकते हैं। ये हमारा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये हमारे हैं यूसीएस यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाई एक्सिस प्लस में, ये एक्स एक्सिस प्लस में, ये वाई एक्सिस माइनस में और ये एक्स एक्सिस माइनस में। ये हमारा कमांड लाइन, जहाँ पे मुख्तलिफ स्मार्ट लिख कर एंटर करके उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हेल्थ से लाइन आ गया, लेंथ आ गया, लेयर आ गया। और ये हमारा मॉडल, ये लेआउट, लेआउट टू, ये टू भी ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं शीट सेट करने के बाद। ये ड्रा, इसमें मुख्तलिफ ड्राइंग आ जाती हैं, मुख्तलिफ कमांड्स, मॉडिफाई में भी, एनिमेशन में आप टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेयर्स का रंग आप चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पे लेयर्स आप चेंज कर सकते हैं कलर और इसकी थिकनेस। मैन की किस्म भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉक या मैं आपको सब बताऊंगा। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। लेंथ विड्थ कोई भी चीज़। ये ग्रुप्स आगे आपको बताऊंगा ये ग्रुप्स क्या करते हैं, इसमें क्या करना है। यूटिलिटीज क्लिपबोर्ड एंड व्यू मेरा ग्रिड ऑन करेंगे तो ये लाइनें से पीछे आ जाएंगी, ग्रिड आ जाएगा। और अगर इसे ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे मिलते हैं, ऐसे कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। इस ओरिजिन पॉइंट कहते हैं और ये हमारा नेविगेशन फुल नेविगेशन भी हिला गया है। ये पैन है, ये जूम एक्सटेंड है, ऑर्बिट है और ये शो मोशन है। या अगर मैं इसके बारे में आपको सबको बताऊंगा कि ये क्या करते हैं ऐसे, और बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए MR एजुकेशन अकेडमी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।